Hello everyone. So today we are going to discuss about, first we are going to discuss about the theory results on parallel line. So parallel line kya hota sabse pehle? Do lines jo kabhi never meet, which never meet actually. ये लाइन L है, ये M है, L is parallel to M. इस लाइन को कहीं तक भी एक्सटेंड करो, तो यहाँ एक्सटेंड करो, they are not going to meet, they will never meet actually, कभी नहीं मीट होंगी और इंटरसेक्ट होंगी, so they are parallel. तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे आज हम पैरेलल लाइंस के. लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल डिनोटेड बाय टी, स्मॉल टी, इज अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स पैरेलल लाइंस. ट्रांसवर्सल टी नाम की एक लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है. इस तरह इस तरह. ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये हो गई टी ट्रांसवर्सल. तो ये इंटरसेक्ट हुई इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे. तो ये हुई ट्रांसवर्सल. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो हियर एंगल्स फॉर्मिंग व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन. जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है. दिस इज ट्रांसवर्सल टी, दिस इज लाइन एल, दिस इज लाइन एम. एंगल फॉर्मिंग दिस and again another angle this, again another angle this, and this. चार angles बने. name करेंगे. angle one, angle two, angle three, angle four. Angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. So these are the names of such angles. First we will discuss corresponding angles. So in this figure, angles which are corresponding are angle 1 to angle 5, angle 1 angle 5, angle 2 to angle 7. Corresponding angles, ये दोनों angles same होंगे. Property है corresponding angles. Angle 3 is to angle 8. Now angle 4 is to angle 6. And actually one more important thing is that corresponding angles are written as corresponding angles. So question mein aayega, aise likha jayega, angle 1 equals to angle number 5. Yahan pe likho corresponding angles. Aise denote karna padega. It's important. Move on to the next. Now the another type of angle is alternate interior angles. Alternate interior angles क्या होते हैं? जो angles अंदर की side form होते हैं, inside. जैसे
consider this figure, this line, and this line. तो ये बनाया ये दो लाइन पैरेलल है एल एन एंगल थ्री एंगल फाइव ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनका कौन से पैरेलल लाइन वेल एम नाउ द इंटीरियर एंगल इज एंगल टू टू एंगल हाँ एंगल टू टू एंगल सिक्स यहाँ पैर बनाओ एंगल टू का एंगल सिक्स के साथ एक पेयर ये हुआ एक पेयर ये हुआ ऐसे डिसाइड करते हैं जेड फॉर्म में बना करके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ थ्योरी पार्ट इज ओवर लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल टी E and F respectively, if angle 1 is equals to 70 degree, find the measure of each of the remaining marked angles. ये answer निकालना इसको एंगल 1 70 मार्क करो 70 डिग्री हो गया अब एंगल 4 निकाल लो गया इजीली उसको मार्क कर दो ए बी सी डी बट दिस बी ई एंड दिस बी क्यू तो ई ई बी एंगल बी ई पी प्लस एंगल बी ई एफ लीनियर एंगल करो उसको सॉरी 70 प्लस बी एफ एज इट इज इक्वल्स टू डीएल पे कहा है 110 देख लो एक बार सॉल्विंग आई एम इन टू डबल दो एंगल जब निकल आए तो सब कुछ निकल आया मतलब एंगल वन इक्वल्स टू एंगल फाइव करेस्पॉन्ड एंगल्स is equals to angle 8 same corresponding angles now consider this z part alternate angle so angle 4 equals to angle 6 ओके ऐसा है ना
यहाँ पर कौन सा एंगल है? फाइव एंगल फाइव, यहाँ है एंगल थ्री, एंगल फाइव निकाल लिया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब ये हो गया, ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब कौन सा बचा? एंगल सिक्स एंड एंगल फोर, मेकिंग रिलेशन एंगल सिक्स एंगल फोर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वन हो गया टू। अब ये वाला बचा है एंगल नंबर टू एंड एंगल नंबर सेवन, इसको कैसे फाइंड करूंगी? एंगल टू इक्वल्स टू एंगल सिक्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंगल थ्री एंगल सेवन, एक मिनट, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सारे एंगल फाइंड हो गए, वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर एंगल फाइव एंगल सिक्स एंगल सेवन एंगल एट हो गए, एट एंगल फाइंड। Move on to the next. Next question is find the value of x in each case. Actually there are three cases out of which two I will do. One you have to do. This is the first section. X की value find करनी है इस question में, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये लाइन हमने बनाई, इसको नाम दे दो पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लाइन पी क्यू विच इज पैरेलल टू द लाइन ए बी एंड सी डी। Draw a line PQ which is parallel to the lines AB and CD. Now, what we have to do is make an angle now. Make an angle now.
तो एंगल एक्स जो था उसको हमने दो पाइप में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर एक नीचे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एबीई एंगल, एबीई एंगल ये वाला और बीईक्यू एंगल ये वाला इक्वल हुआ। अब क्यों इक्वल हुआ? ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हुआ। एंगल सी डी ई इक्वल्स टू एंगल डी ई क्यू, सी डी ई ये वाला एंगल, डी ई क्यू यानी ये वाला एंगल इक्वल हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब कुछ नहीं करना, एंगल एक्स को निकालना है, एंगल एक्स इक्वल्स टू दो एंगल फाइंड किए थे पीई क्यू बीई क्यू एड कर लो, हंड्रेड डिग्री आंसर आया। तो एक्स डिग्री हंड्रेड डिग्री के इक्वल है, ये आंसर है। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ट्रांसवर्सल का केस बनता है, कैसे इन दो लाइन्स को एक्सटेंड करेंगे, एक लाइन खुद बनाएंगे। तो नाम देंगे पी क्यू, अगेन पी क्यू कंस्ट्रक्शन में लिखो, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी नेम्ड पी क्यू। अब इस वाली लाइन को भी एक्सटेंड करके देखो, हो गई एक्सटेंड, ये पहला लाइन बनेगी और ये ट्रांसवर्सल टी बनेगी, फिर बन गया ट्रांसवर्सल वाला। इस एंगल को भी दो पार्ट पर डिवाइड कर लो, एंगल वन एंगल टू। एक्स डिग्री एंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एंगल वन दूसरा एंगल टू। तो अब एंगल बी ए ई ये वाला एंगल
एंगल 1 ये वाला एंगल दोनों को प्लस किया एंड सो ऑन 180 डिग्री नाउ क्यों है को इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स के दोनों सब इक्वल टू 180 ही होते हैं तो प्लेस करेंगे वैल्यू 104 76 आ गया नोट करो 76 डिग्री BAE 76 डिग्री अब ऐसे ये वाला एंगल निकालो एंगल BCE प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल अब एंगल डी सी 64 वैल्यू पुट करो अब क्या करना है अब ये पूरा एंगल निकाल रहा है तो एंगल एक्स डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी सी ई प्लस एंगल पी ए ई नवा 64 प्लस 76 इक्वल्स टू 140 आंसर This is the next question. थोड़ा सा complicated लग रहा है but दिखने में complicated है करने में बहुत easy है कैसे करेंगे First of all, extend EF to endpoint P. यहाँ पे construction है आपको Extend line EF to P. EF to P का ये आ गया एंगल इसको एंगल 1 नेम किया इस पॉइंट को 4 नेम दिया यहाँ पे लिखो O. एंगल 1 तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल 1 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब एंगल 2 ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है ये एंगल 2 है ये एंगल 3 है
एंगल 1 प्लस एंगल 3 लीनियर एंगल स्ट्रेट लाइन पे है, तो यहां पर लिखेंगे 70 प्लस एंगल 3 180। अब जब 70 माइनस होगा तो एंगल 3 हो जाएगा 110 डिग्री। गलत आंसर ये आया, एंगल 3 110 डिग्री। एंगल 2 फाइंड करो, सेम ही फॉर्मेट, एंगल FPC प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 लीनियर एंगल्स। क्या करो बोलता FPC की जगह वैल्यू पर करो 130 प्लस एंगल 2 180 एंगल 2 एंगल 250 आया। एंगल 2 एंगल की राइट्स, हां इस छोटे से ट्रायंगल को देखो, यहां नोटिफाई कर दे रहा है आपको ट्रायंगल वाला, इस तरह का है कुछ। यहां पर एंगल 3 है, यहां पर एंगल 2 है और यहां पर x है, ट्रायंगल है। सुना, एंगल x प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, द वैल्यूज x प्लस 110 प्लस 50 180 एंगल x प्लस 160 इक्वल्स टू 180 एंगल x 20 डिग्री। एंगल x की वैल्यू है